भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 20 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सेक्शन 20 का टाइटल है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो कि आपको सीआरपीसी के सेक्शन 25 ए में मिलेगा। तो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसको इस्टेब्लिश करने का पावर किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। और जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, ये एक बॉडी होगा। बॉडी कहने का मतलब हो गया कि एक इंस्टीट्यूट हो गया या संस्था हो गया, जैसे कोर्ट, कोर्ट एक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं आप, या कोई संस्था है। ठीक है, मतलब कोई इंसान नहीं है, वो एक पर्सन नहीं है, मतलब लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। उसी तरह डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी होगा, और डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में कुछ मेंबर्स होंगे जो कि कंसिस्ट करेंगे। एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और डिप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। और कितने होंगे? एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया और एक से अधिक, जितना स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लगता है उतने डिप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। ये बात हो गया स्टेट लेवल पर, ठीक है। फर्दर सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, ये न्यूली एडेड है। ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्टेब्लिश करेगी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर क्या इस्टेब्लिश की? डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्टेब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। और जिसमें मेंबर्स होंगे, डिप्यूटी डायरेक्टर्स होंगे एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन। और ये कितने होंगे? कितने भी हो सकते हैं, जितना स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लग रहा है उतना, जितना उतना हो सकता है। क्या कौन कौन होंगे? डिप्यूटी डायरेक्टर्स, एक से अधिक असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, एक से अधिक। देखिए, स्टेट लेवल पर डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। और कौन कौन होंगे? डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एक, और डिप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन अनेक, एक से अधिक, जितना स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लगेगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक डिप्यूटी डायरेक्टर्स एंड एक से अधिक असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लेगा। देखिए, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को इस्टेब्लिश करने का पावर किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास, किसके पास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। आइए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इस्टेब्लिश करेगा स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन किन पर्सन को इस्टेब्लिश करेगा, कौन एलिजिबल होगा? तो सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए कहता है ऐसे पर्सन्स एलिजिबल होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के रूप में अपॉइंट होने के लिए या डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। दोनों का एलिजिबिलिटी बता रहा है, दोनों का एलिजिबिलिटी सेम है। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा या डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अगले को बनाया जाएगा अगर वो पर्सन एक एडवोकेट है और एडवोकेट के रूप में कम से कम 15 साल का प्रैक्टिस है उसके पास, एक्सपीरियंस है 15 साल या उससे अधिक, तो उसे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। कौन अपॉइंट कर सकेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकेगा। ये प्रोविज़न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, लेकिन सीआरपीसी में प्रोविज़न था कि जो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस चाहिए वो 10 साल का चाहिए, मिनिमम 10 साल का। और ये बनाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बाद, समझने के बाद, कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया हो गया। या दूसरा क्राइटेरिया भी है, या तो ये फुलफिल करे या ये फुलफिल करे। दूसरा प्रोविज़न क्या है? ये न्यूली एडेड है बीएनएसएस में, ये सीआरपीसी में नहीं था। या वो पर्सन सेशंस जज रहा हो, अगर अगला पर्सन सेशंस जज रहा है तो उसे भी, वो भी एलिजिबल है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को के रूप में उसे अपॉइंट किया जाएगा। फर्दर सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी न्यूली एडेड है। ये कहता है कि किसी भी पर्सन को अपॉइंट करने के लिए एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के रूप में अपॉइंट होने के लिए किसी पर्सन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो पर्सन या तो एडवोकेट रहे,
या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रहे, ठीक है, या तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रहे या एडवोकेट रहे, और एडवोकेट होने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, प्रैक्टिस मिनिमम 7 साल, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को बनने के लिए 7 साल का मिनिमम प्रैक्टिस, एंड डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट करने के लिए या डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट के लिए मिनिमम 15 साल एक्सपीरियंस, एंड मिनिमम 15 साल एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, या तो वो सेशंस जज हो, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए या तो 7 साल एज एन एडवोकेट या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। फर्दर ये सेक्शन बताता है कि जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, जो संस्था बनाया गया, इंस्टीट्यूट बनाया गया, बॉडी बनाया गया डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसका हेड कौन होगा, इसका हेड होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और ये फंक्शन करेगा अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, स्टेट का जो होम डिपार्टमेंट होगा उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आएगा ये डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। देखिए, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का सबसे हेड कौन हो गया, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया, तो ऑब्वियसली अगर सबॉर्डिनेशन देखा जाए, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो सबसे हेड, सबसे ऊपर में कौन रहेगा, सबसे ऊपर कौन रहेगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट, तो सबसे ऊपर का कोर्ट कौन सा होता है, सबसे सर्वोच्च कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट हो गया। उसी तरह डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में इन तीनों में अगर कहा जाएगा कौन सबसे ऊपर है, तो डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये सबॉर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, यानी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऊपर रहेगा, बड़ा रहेगा, और इन इसके सबॉर्डिनेट, इसके अंडर में आएगा, इसके नीचे वाले पोस्ट होंगे डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। फर्दर अगर इन दोनों की बात की जाए कि इन दोनों में कौन बड़ा होगा, कौन सबॉर्डिनेट किसके होगा, तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा ये सबॉर्डिनेट होगा, ये छोटा पोस्ट होगा डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से, और ये दोनों एक साथ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेट में होंगे। अब तक में हम लोग देखें कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से नीचे सबॉर्डिनेट में आएंगे डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब हम लोग समझेंगे कि जो डिफरेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो कितने सबॉर्डिनेट होंगे। तो देखिए, जो डिफरेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और इनको अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, स्टेट गवर्नमेंट वाले पब्लिक पीपी, एपीपी, एसपीपी, पीएम, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और कहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, ये हाई कोर्ट के केसेस को कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, तो ये पीपी, एपीपी, एसपीपी, ये सबॉर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, कौन वाले, हाई कोर्ट वाले, ठीक है। फर्दर ऐसे पीपी, एपीपी, एसपीपी या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, देखिए स्टेट गवर्नमेंट एक हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट करेगा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए अपॉइंट करेगा, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंट किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के केसेस को कंडक्ट करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट ने किसे अपॉइंट किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, एंड फर्दर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमेशा कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स के लिए होंगे, ये हाई कोर्ट के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होता है, लेकिन वहीं बात की जाए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी हो सकते हैं एंड हाई कोर्ट के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ पर वर्क करते हैं, तो ये कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स में अपना केसेस कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये सबॉर्डिनेट होंगे डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये दोनों जो होंगे इनके सबॉर्डिनेट, ये पीपी, एपीपी, एसपीपी, असिस्टेंट पीपी, ठीक है, ये सबॉर्डिनेट होगा। अब हम लोग समझेंगे
पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, इनके पावर्स क्या क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, किस लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो सबसे पहले सेक्शन 20 सबसेक्शन 7 कहता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में। तो जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा उसका पावर एंड फंक्शन ये होगा कि इनको ये मॉनिटर करेंगे ऐसे केसेस को, ऐसे ऑफेंसेस को जिनकी सज़ा 10 साल या उससे अधिक का हो, या उनकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या डेथ पेनल्टी हो। कहने का मतलब है डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 इयर्स और मोर का इम्प्रिजनमेंट है ऐसे ऑफेंसेस का, तो उन्हें मॉनिटर करना, उससे उस केसेस को स्टडी करना, ठीक है, ये पावर्स एंड फंक्शंस होता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को। प्लस एक और रहता है फंक्शन, टू एक्सपेडाइट द प्रोसीडिंग्स एंड गिव ओपिनियन ऑन फाइलिंग ऑफ अपील्स। अपील के संबंध में भी इनका बहुत अहम रोल होता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का। फर्दर सेक्शन 20 सबसेक्शन 8 कहता है कि जो डिप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे उनके पावर्स एंड फंक्शंस होंगे टू एग्जामिन एंड स्क्रूटिनाइज पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन करना, उनको स्टडी करना और ऐसे केसेस को मॉनिटर करना, ऐसे केसेस को स्टडी करना जो पनिशेबल हो 7 साल या उससे अधिक, ठीक है, 7 ईयर्स और मोर बट 10 ईयर्स से कम वाले, क्योंकि 10 ईयर्स से अधिक हो जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, किसके ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में आ जाएगा। तो डिप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन ऐसे केसेस को स्टडी करेगा, ऐसे केसेस को मॉनिटर करेगा जिसका पनिशमेंट 7 साल या उससे अधिक हो लेकिन 10 साल से कम का हो, फॉर इंश्योरिंग देयर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, सो दैट केस का डिस्पोजल जल्द से जल्द किया जा सके। फर्दर सेक्शन 20 सबसेक्शन 9 कहता है अबाउट असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा उसका फंक्शन होगा टू मॉनिटर केसेस, ऐसे केसेस को मॉनिटर करना जिसका पनिशमेंट 7 साल से कम का हो, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सबसे नीचे, उससे ऊपर डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड उससे ऊपर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा वो ऐसे केसेस से डील करेगा जिसकी सज़ा या तो डेथ हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या पनिशमेंट 10 साल या उससे अधिक का हो, और इसके सबॉर्डिनेट आएगा डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऐसे केसेस से डील करेगा जिसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे अधिक हो लेकिन 10 साल से कम का हो। एंड द लास्ट असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऐसे केसेस से डील करेगा जिसका पनिशमेंट 7 साल से कम का हो। फर्दर सेक्शन 20 सबसेक्शन 10 कहता है कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, इनका पावर होगा केसेस से डील करने के लिए या उन केसेस का जो प्रोसीडिंग्स होगा इस संहिता यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत में जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगे उनको डील करने का पावर होगा डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के पास पावर होगा और यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। फर्दर इनके पावर्स या उनके फंक्शन को एक्सटेंड किया जा सकता है या इनको पावर एंड फंक्शन को दिया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लगेगा। एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और उस नोटिफिकेशन के तहत में डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को फर्दर पावर्स या फंक्शंस दिया जा सकता है। फर्दर लास्टली सेक्शन 20 सबसेक्शन 12 कहता है कि इस सेक्शन 20 का जो प्रोविज़न है ये एडवोकेट जनरल के ऊपर लागू नहीं होता है। स्टेट के जो एडवोकेट जनरल होंगे वो अगर फंक्शन करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इस सेक्शन का प्रोविज़न उन एडवोकेट जनरल पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 20 ऑफ BNSS डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। आई होप कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।